आगरा में मेट्रो परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2020 में एक वर्चुअल शिलान्यास द्वारा किया गया था और इस परियोजना को अप्रैल 2024 तक पूरा होना था। इसके अंतर्गत ट्रायल में 6 स्टेशनों को पहले शुरू किया जाना है, जिसमें से 3 स्टेशन जो हैं वो 50% के करीब पूरे हो चुके हैं। इस समय हम लोग फतेहाबाद रोड पर बन रहे मेट्रो के एलिवेटेड स्टेशन को देखने के लिए आए हैं, तो आप लोग भी देखिए, काम अभी चल रहा है। ताजमहल से लेकर RBS कॉलेज तक लगभग 8 किलोमीटर की एक भूमिगत सुरंग बनाई जानी है और इस भूमिगत सुरंग में भूमिगत स्टेशंस बनाए जाएंगे, परंतु ये अभी भूमिगत सुरंग का काम पूरी तरीके से आरंभ नहीं हुआ है। इस समय हम लोग मुगल होटल के ठीक सामने बन रहे एलिवेटेड स्टेशन को देख रहे हैं, जो लगभग 50% बनकर पूरा हो चुका है और इसके आगे 2 स्टेशन और हैं, एक बसई रोड पर जो कि TDI मॉल के ठीक सामने है और तीसरा ताजमहल के पास है। सीमेंट के पोल, गर्डर और ये यू क्लैंप वगैरह आगरा के पास बमरौली नाम की एक जगह पर इन सब चीज़ों को ढाल कर बनाया जाता है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड को होटल मुगल शेराटन है और आप लोग सामने की ओर देख सकते हैं, कुछ दूरी तक कॉरिडोर का निर्माण आपको दिखाई देगा और इसी कॉरिडोर पर दोनों ओर रेल की लाइन बिछाई जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं, ये कॉरिडोर कुछ थोड़ा बहुत बनकर तैयार हो चुका है और आशा है कि अपने निश्चित समय में 2024 अप्रैल तक हमें 3 स्टेशन पर मेट्रो रेल चलती हुई अवश्य मिल पाएंगी। स्क्रीन पर आप लोग आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का पूरा मैप भी देख सकते हैं।